सैलो का जो कि क्वेश्चन आपको दिया होगा और एग्जाम में, और आपको यहाँ पे ये सेमेस्टर के लिए है, गेट में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है और लॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है जो कि आपको बहुत ही पेज में जाएगा। इसका डिफिनेशन वगैरह देख लेते हैं क्या है। इन केस ऑफ साइलो वेट ऑफ द मटेरियल इज सपोर्टेड बाय द फ्रिक्शन एज वेल एज बॉटम स्लैब। जो बॉटम हमारा स्लैब होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, जो ये है हमारा, ठीक, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक, ये, और उसके बाद इधर से ये यहाँ से ओपन रहेगा, ठीक, और ये आपका डायमीटर यहाँ से आपको दिया हुआ रहेगा, और ये आपका इंक्लाइन है और ये भी इंक्लाइन है, ठीक। उसके बाद चलिए, और यहाँ पे साइलो में क्या होता है कि दो तरह से होते हैं जो आपका सपोर्टेड है, एक फ्रिक्शन और दूसरा बॉटम स्लैब, लेकिन आप जब बंकर पढ़ेंगे तो उसमें फ्रिक्शन स्लैब नहीं होता है, ठीक। दे आर द टू टाइप ऑफ थ्योरी। अब जो सैलो का हम लोग डिजाइन करते हैं उसका दो थ्योरी मेनली है, एक जेंसन थ्योरी और सेकेंड है एरिस थ्योरी, ठीक। अभी हम लोग फर्स्ट में करेंगे जेंसन थ्योरी से, और जेंसन थ्योरी का ऑब्जर्वेशंस क्या है, इसके तीन ऑब्जर्वेशंस है। पहला ऑब्जर्वेशंस है कि मटेरियल जो होता है जो यूनिफॉर्म इन टेक्सचर होता है, यूनिफॉर्म इन टेक्सचर, और सेकेंड जो हमारा है कि मटेरियल हैज अ डिफिनिट एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज हमारा क्या होगा, डिफिनिट होगा, और तीसरा जो हमारा है, तीसरा है कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मटेरियल एंड साइड वॉल, देखिए कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मटेरियल एंड साइड वॉल हैज द कांस्टेंट वैल्यू। जो ये हमारा जो साइड वॉल जो आप देख रहे हैं, ये साइड वॉल और ये साइड वॉल है, इसके बीच का जो फ्रिक्शन होगा ना वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, म्यू जो हमारा फ्रिक्शन है ये कांस्टेंट होगा, ठीक। उसका चलिए फिगर के बारे में समझने से पहले हम लोग ये जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या है, किसका क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पीएस हम जो डिनेट किए हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर, पीवी क्या है हमारा, वर्टिकल प्रेशर, आर है रेडियस ऑफ सैलो, और म्यू क्या है हमारा, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मटेरियल, जो मटेरियल आप इसमें रखने वाले हैं और जो हमारा जो ये वॉल है, ओके। उसके बाद आर है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक मीन रेडियस आप लोग जानते होंगे कि एरिया बाई पेरीमीटर होता है, वो पाई अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है, टू पाई आर, और ये कट के आप क्या आ जाता है, आर बाई टू, ओके। उसके बाद चलिए आगे, और ये जो हमारा है यहाँ पे नॉर्मल हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लगेगा वॉल पे, म्यू इंटू एन हो जाएगा, ठीक। ये जो यहाँ पे कर्सर आप देखिए ये, ठीक, उसका ये कि अपवर्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि मटेरियल तो नीचे आना चाहेगा ना, उसका जो हम लोग एक स्ट्रिप लिया है, जो स्ट्रिप का लेंथ कितना है, ठीक, ये जो सर्कुलर स्ट्रिप लिए हम लोग, और डीएच हाइट का लिए हैं, और अगर यहाँ प्रेशर पी भी लग रहा है तो डीएच हाइट के बाद क्या लगेगा, डेल पी, ओके। और उसके बाद चलिए ये आपका जो हो गया इनक्लाइन, ये है हॉपर बॉटम, ठीक, ये क्या है, हॉपर बॉटम, ओके। उसके बाद चलिए अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप जब बनाइएगा तो आप किस मटेरियल को इसको फिल करने वाले हैं, इसमें आप रखने वाले हैं, वो आपका यहाँ होगा W, उसका डेंसिटी आपको दे दिया जाएगा। फिर अब मान लीजिए अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा कि ये जो आपका मटेरियल जो भी इसमें रखा हुआ है उसका जो वेट होगा उसको कौन होल्ड करेगा, एक फ्रिक्शन होल्ड करेगा और दूसरा होगा जो प्रेशर लग रहा है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो इसमें कितना वेट है, तो वेट कैसे निकालेंगे हम लोग, जब डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया और हाइट से गुणा कर दिए, ये सिर्फ हम अभी स्ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया, उसके बाद पाई आर स्क्वायर डी पी इंटू भी, ये वर्टिकल प्रेशर, अब ये चेंज इन प्रेशर यहाँ पे कितना है, पी वी माइनस पी वी करेंगे, पी वी डेल पी वी, उसके बाद पी वी पी वी कैंसिल हो जाएगा और ये, ओके। और यहाँ पे जो हमारा वॉल पे जो लग रहा था फ्रिक्शन, ये जो ये सर्कुलर है तो ये इस तरह बनेगा सर्कुलर वॉल, और यहाँ पे म्यू इंटू एन कहाँ पे लगा, तो टू पाई आर एक सर्कल पे, आप यहाँ से देख लीजिए
प्रोसेस। गोल नहीं बन पाया, यहाँ से सर्कल, ठीक ये हो गया हमारा। और यहाँ पे एक आप बना लीजिए, और इसको आप लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। इस तरह का टाइप बनेगा। अब जो ये फ्रिक्शन है यहाँ पे, एक पूरे सर्कुलर है तो ये 2πr हो जाएगा हमारा, ये रेडियस, ये सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr, और ये पूरा हाइट कितना हो जाएगा डेल हाइट, ठीक। उसके बाद देखिए ये, और जो हमने आपको बताया है कि ये जो हमारा क्या है 2πr इंटू डी एच, 2πrh ये हो जाएगा, और डी एच ये क्या हो गया हाइट, ठीक, और इंटू म्यू इंटू पी एच। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो डीएच है, डीएच 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 को हम लोग एक साइड कर लिया, उसके बाद ये, उसके बाद इसको यही रहने दिया, और उसके बाद क्या किया मैंने कि डीएच को एक तरफ करके इसको जो कॉमन पार्ट था उसको मैंने लेकर यहाँ पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद डीएच और एक चीज़ और, हमने पीएच बाय पीवी को एक एम से डिनोट किया है, ठीक। यहाँ जो हमारा पीएच था, पीएच और पीएच इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इंटू पीवी, पीवी वर्टिकल प्रेशर, तो यहाँ पे लिख लिया एम इंटू पीवी। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन किया। उसके बाद आप जानते होंगे कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है, ln log x बोलिए या ln x बोलिए, तो ठीक ln x हो गया। जो इसका कोफिशियंट जो है उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया है, देखिए जो भी इसका कोफिशियंट है -2μm, तो -2μm से कोफिशियंट से डिवाइड कर दिया, और जो r कांस्टेंट है ये हमारा इधर बाहर हो गया, ठीक है। और एक कांस्टेंट आया है c1। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, h इक्वल टू जीरो और पीवी इक्वल टू जीरो। जब यहाँ पे देखिए, जब h का वैल्यू हमारा जब जीरो है तो पी वी क्या होगा, जीरो होगा ये टॉपर पार्ट पे, ठीक। ओके, और उसके बाद हमारा यहाँ से सी वन निकाल लिया हमने, जो जो कांस्टेंट था वो कांस्टेंट का वैल्यू हमने निकाल लिया। उसके बाद फिर इसको इसमें पुट करके सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं है, बस इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और उसके बाद मैंने इसको यहाँ किया, और इसके बाद एल एन, जब अब इतना आप लिखना चाहते हैं तो ये आपका बेस में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस में और ये पावर में, ठीक। तो यहाँ पे ई के पावर इतना हो गया, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो हमारा ये है इसको डिवाइड किया, उसके बाद सिंप्लीफाई करके मैंने एक इक्वेशन लिखा ये, ठीक, पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू आर बाई टू म्यू एम वन माइनस। आपको बस ये इक्वेशन आपको याद रखना है, आपको ऊपर का इंटीग्रेशन अभी ना भी समझ में आया कोई बात नहीं, जब आप आराम से कीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन आपको ये अगर एक्सप्रेशन जो है ये फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक। तो अब पी भी यहाँ से जो म्यू था हमारा, म्यू को हमने इधर किया, और एम इन टू पी भी इक्वल टू हम लोग पी एच लिख सकते हैं, ऊपर हमने बताया है, ठीक। ये फॉर्मूला आपका आ गया, आर क्या हाइड्रोलिक मीन रेडियस था और ये रेडियस ऑफ सैलो था, यहाँ से देखिए, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो वर्टिकल वाल विल बी डिजाइन फॉर द हुप टेंशन, हुप टेंशन कहता है पी डी बाई टू, पी क्या है हमारा पी एच, ये प्रेशर और आर रेडियस, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, उसका था टोटल वर्टिकल लोड टेकन
कितना हो जाएगा टोटल वर्टिकल लोड। अब देखिए हमारा जो एक स्ट्रिप पर निकाले थे और यहाँ से पूरे हाइट पर निकालना है हमको, अगर वो मान लीजिए 20 मीटर का दिया हो या 10 मीटर का दिया हो जो भी दिया हो, तो उस क्वेश्चन में हम लोग कैसे निकालेंगे, जीरो से एच म्यू इंटू पी एच, पी एच का वैल्यू हमने निकाल चुका है, पी एच का वैल्यू हमारा ये है, वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और टू पाई आर इंटू डी एच, ये क्या है हमारा सर्कमस्टांस, इंटू हाइट से गुना कर दिया तो पूरे सर्कमस्टांस निकल गया। ठीक, यहाँ से हमने इसका इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे देखिए सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कोई हार्ड नहीं है, आप इसको कीजिए एक बार बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है तो ये हमारा क्या है सिंप्लीफाई करने के बाद पाई आर स्क्वायर टू डब्ल्यू एच माइनस पी वी इंटू एच, पी वी इंटू एच क्या है, ये है वर्टिकल प्रेशर एट द हाइट एच, ठीक है, ए इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया जो हमारा साइड लो है उसका एरिया हो गया। ओके, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या था हमारा डेंसिटी ऑफ जिस मटेरियल से आप फिल करने वाले उसका डेंसिटी, ये हाइट, और पी वी इंटू एच, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल साइलो है जिसका इंटरनल डायमीटर आपका 6 मीटर है, डेप्थ है 20 मीटर, डेंसिटी ऑफ वीट, यहाँ पे हम लोग वीट रखने वाले हैं इसमें, या तो कॉइल भी रख सकते हैं, और एंगल ऑफ प्रीपोज कितना दिया हुआ है फाइव 25, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वीट एंड साइलो है 0.44, मटेरियल एम 20 है और एफ ई 415, एंड पी एच बाई पी वी का रेशियो जो हमारा दे दिया है 0.4। और उसके बाद क्या था हमारा क्वेश्चन, डिटरमाइन द लेटरल प्रेशर इंटेंसिटी एट द 4 मीटर इंटरवल, आपको ये ख्याल रखना होगा कि 4 मीटर इंटरवल पे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डिजाइन द साइलो यूज द जेंसन थ्योरी, थ्योरी का भी मेंशन कर दिया कि आपको इसी थ्योरी से बनाना है, दूसरा थ्योरी वो जो सेकेंड थ्योरी थी एरे, उसमें एरेज थ्योरी उससे नहीं बनाना है। चलिए गिवेन क्या है हमारा सिग्मा एस टी 415 के लिए 230 होता है, सिग्मा सी बी सी एम 20 के लिए 7 होता है, ठीक है, एन का वैल्यू गिवन है, म्यू का वैल्यू गिवन है, डेप्थ ऑफ अपर बॉटम ये हमने सपोज कर लिया है। अब 2 से 3 के बीच में कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2.5 सपोज किया है। उसके बाद ओपनिंग जो है डायमीटर, ओपनिंग डायमीटर अपर बॉटम, ये जो है आपका ओपनिंग करने का मतलब ये वाली जो डेप्थ है ये हमने 1 मीटर सपोज किया, ठीक, ये वाली वैल्यू हमने 1 मीटर सपोज किया है। ओके, उसके बाद चलिए ठीक क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि आप एक इक्वेशन याद रखिए, पी एच इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर इंटू म्यू, डब्ल्यू क्या था वीट का जो डेंसिटी है, आर क्या होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, म्यू जो 0.44 दिया हुआ है, उसके बाद एक्सप्रेशन म्यू, और यहाँ पे देखिए म्यू डैश एन इंटू एच, सभी वैल्यू आपका गिवेन है, आर का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं आर बाई 2 से, उसके बाद म्यू का भी वैल्यू गिवेन है, एन का भी वैल्यू गिवेन है, पी एच इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ हमारा इंटरवल 4 पे बोला है, ठीक, तो 4 पे इंटरवल के लिए हमने एच को सिर्फ रखा है, वैल्यू नहीं पुट किया है, बाकी सब वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा, सिर्फ एच का वैल्यू चेंज होगा, 4 इंटरवल 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20, ठीक, तो बाकी सबको मैंने कैलकुलेट करके और एज के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, उसके बाद चलिए देखिए ये है जो हमारा, उसके बाद अब वाल का जो थिकनेस है ये आईएस कोड में दिया हुआ है, वाल का थिकनेस कितना 10 + 2.5 इंटू डी, डी का वैल्यू 6 पुट कीजिए, उसके बाद 6 - 3 = 12.5 होगा, जो कि हमने 15 सेंटीमीटर सपोज किया है। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको एज का वैल्यू 20 है, 20 - 6 कीजिए 12 आ रहा है, फिर यहाँ पे 12.92 जो मैक्सिमम वैल्यू आया मैंने उसको सपोज किया है। उसका कहता है प्रेशर पी एच होप टेंशन टी एंड एस टी रिक्वायर्ड जो है एट द प्रोवाइडेड इज कैलकुलेटेड एट द 4 मीटर इंटरवल। अब वो क्वेश्चन में वो मेंशन कर चुका था कि आपको 4 मीटर इंटरवल पे बनाना है। अब देखिए तो हमने 4 मीटर इंटरवल पे लिया, तो ये वैल्यू मैंने पुट किया 4 यहाँ पे, आप यहाँ 4 पुट कीजिए और इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे आप यहाँ 4 पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, इसका वैल्यू आपका 10.95 आएगा। उसके बाद अब जब आपको
पीएच का वैल्यू पता चल गया, तो टेंशन कैसे पता चलेगा, टेंशन के लिए आपको पीएच डी बाई टू करना होगा, तो डी बाई टू जो फार्मूला आपको डी बाई टू, यहाँ तो मैंने अभी फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया हूँ, इसका फार्मूला आप लिख लीजिए pH into dy2, ठीक है, dy2, d हमारा 6 मीटर है, डिवाइडेड टू यह हमारा कितना आ गया 13, और उस पर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, टेंशन जो अभी हम निकाल चुके हैं 32.4 डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी, 230 हो गया, इसको कैलकुलेट किया मैंने, उसके बाद सिमिलरली प्रोसेस अगेन एंड अगेन करते गया, उसके बाद यहाँ पे आप फिर 8 पुट कीजिए फॉर्मूला में, यहाँ 8 पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा कितना 17.72। फिर ये सिमिलरली जैसे इसको समझाया था मैंने आपको उसी तरह इसको भी कीजिए, बस सेम, उसके बाद मैंने 20 तक किया है, ठीक, उसके बाद इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 78.34। और ये अब आईएस कोड में मेंशन कर चुका है कि आपको यदि सर्कमफेरेंशियल देना है तो 0.25 इंटू ग्रोस एरिया, ग्रोस एरिया कहने का मतलब है कि आपका जो डेप्थ हमने सपोज किया है कितना 15 सेंटीमीटर, जो कि mm में लिए तो 150 हो गया, इंटू 1000/100, 0.25% था इसलिए 100 है, उसके बाद ये सपोज किया, और ये जो वैल्यू है मिनिमम आपको 375 mm² लेना है, तो इसलिए इसमें कितना है, इसमें जो वैल्यू है जो भी है कम वैल्यू है, लेस देन 3.75 है, 3 पॉइंट बोलिए मैंने 375, ठीक है, और मैं वीडियो तो मैं 20 मिनट का वीडियो बनाया हूँ, और नेक्स्ट इसका सोल्यूशन अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 में दूंगा, थैंक यू। Thank you.